सभी साथियों को नमस्ते। यह डिक्टेशन दैनिक जागरण के संपादकीय लेख से 88 शब्द प्रति मिनट की गति से 10 मिनट की रिकॉर्ड की जा रही है। 10 सेकंड के बाद डिक्टेशन प्रारंभ हो जाएगी। रेडी? यस। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजधानी दिल्ली के दंगे नियंत्रण में आ तो गए, परंतु एक भारी कीमत चुकाने के बाद। इतने बड़े स्तर पर सांप्रदायिक दंगे होना दिल्ली सरकार और भारत सरकार दोनों के लिए ही शर्म की बात है, और सबसे ज्यादा किरकिरी तो दिल्ली पुलिस की हुई। इन सांप्रदायिक दंगों पर बहुत कुछ लिखा जा चुका है। मैं 3 खास बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा। पहला तो यह कि दंगे क्यों हुए। दूसरा, दंगों के लिए किसकी जिम्मेदारी बनती है। और तीसरा, क्या इसकी तुलना 1984 के सिख दंगों से करना उचित होगा। सांप्रदायिक दंगे भारत के इतिहास से जुड़े हैं। समय समय पर अलग अलग क्षेत्रों में किन्हीं कारणों से चिंगारी जब तब सुलग ही जाती है। ऐसा प्रतीत होता है कि दिल्ली दंगों के बीच हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों के दौरान पड़े थे। सभी पार्टियों के नेताओं ने गैर जिम्मेदाराना बयान दिए, जिसके कारण राजनीति का स्तर, और वह भी दिल्ली में जहां सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, गिरता चला गया, तथा यह जमकर देखने को मिला। चुनाव आयोग से यह आशा की जाती है कि वह ऐसे लोगों पर अंकुश लगाए और उनके विरुद्ध कार्रवाई करे। भारत के अंदर हेट स्पीच देना एक फैशन सा हो गया है। हमारे देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अनाप शनाप बोलते रहते हैं, उनकी जबान पर कोई लगाम नहीं है और मूर्खतापूर्ण बयान देते रहते हैं। एक सांसद महोदय हैं, वे तथा उनकी पार्टी के बहुत से नेता, जो कि हमेशा दूसरों के निस्तानाबूद करने की धमकी देते रहते हैं। इसके अतिरिक्त आजकल तो हर राजनीतिक पार्टी के नेता, छात्र नेता, संगठनों के नेता आदि भी हेट स्पीच देते रहते हैं, जिसकी वजह से सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ रहा है। पुलिस की जिम्मेदारी के बारे में बहुत कुछ कहा जा रहा है। इसमें संदेह नहीं कि पुलिस ने शुरू में बहुत ढील बरती, जिसकी वजह से सांप्रदायिक चिंगारी ने विकराल रूप ले लिया। इसके साथ ही बाकी संस्थाओं की जिम्मेदारी का उल्लेख करना भी आवश्यक है। उपराज्यपाल महोदय, जो गृह मंत्रालय के प्रतिनिधि हैं, उन्होंने क्या भूमिका निभाई है। दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री, जो कि भारी बहुमत से जीतकर आए हैं, उनसे और
उनकी पार्टी के नेताओं से उम्मीद थी कि वे लोग सड़क पर उतरकर लोगों को शांत करने का प्रयास करेंगे, परंतु ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दिया। दिल्ली के नव निर्वाचित विधायकों और संसद सदस्यों को इन सांप्रदायिक दंगों को शांत करने के लिए आगे आना चाहिए था। महोदय, देश की राजधानी दिल्ली के सांप्रदायिक दंगों के लिए केंद्रीय गृह मंत्री के बारे में बहुत कुछ कहा जा रहा है और उनके इस्तीफे की मांग की जा रही है। इसमें संदेह नहीं कि अंततोगत्वा जिम्मेदारी तो गृह मंत्रालय की ही बनती है, परंतु यदि व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो गृह मंत्रालय केवल नीतिगत निर्देश ही देता है। रोजमर्रा के कामकाज में आशा यही की जाती है कि मंत्रालय दखल नहीं देता है। यहां यह कहा जा सकता है कि उनके आदेशों के अनुपालन में पुलिस प्रशासन सक्रिय हो गया था। यदि इस पूरे घटनाक्रम का विश्लेषण किया जाए तो गंभीर घटनाएं 23 और 24 फरवरी को हुई थी, जिनमें दंगाई ने एक डीएसपी को मारा, खुफिया ब्यूरो के कर्मचारी की बेरहमी से हत्या की और एक पुलिस कांस्टेबल को गोली मार दी गई तथा एक दंगाई को पुलिस के एक जवान पर पिस्तौल तानकर धमकाते हुए पूरे देश ने देखा है। इसी क्रम में यह भी कहा जा रहा है कि सत्तारूढ़ पार्टी के लोगों ने भी दंगों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हिस्सा लिया, चाहे वे केंद्र सरकार के नेता हों या राज्य सरकार के नेता हों। यह तो पूर्ण रूप से स्पष्ट है कि जिस पैमाने पर दंगे किए गए या हुए, उनकी तैयारी बड़े सुनियोजित ढंग से हुई थी। इसके लिए कौन व्यक्ति, पार्टी या संगठन मुख्य रूप से जिम्मेवार है, उन्हें चिन्हित करने की आवश्यकता है। उचित तो यही होगा कि इन सांप्रदायिक दंगों की जांच के लिए एक न्यायिक आयोग गठित किया जाए, ताकि सही तथ्य सामने आ सकें, अन्यथा आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार चलता रहेगा। कुछ लोग इन दंगों की तुलना सिख विरोधी दंगों के भी कर रहे हैं। मेरे विचार से यह उनके सीमित ज्ञान का परिचायक है। सिख सांप्रदायिक नरसंहार हमले एक तरफा थे, इसके विपरीत ये दंगे जिसमें दोनों पक्षों में एक दूसरे पर प्रहार किया। भविष्य के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि पुलिस को संबल प्रदान किया जाए और उनके दैनिक कार्यों में राजनीतिक हस्तक्षेप न हो। माननीय सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि वह नागरिकता संशोधन कानून की संवैधानिकता पर तत्काल विचार करें और यदि उनमें विलंब हो तो इस कानून पर फिलहाल अंतरिम रोक लगा दी जाए। इस समय अंतरराष्ट्रीय माहौल
भारत के विपरीत होता जा रहा है, उसे संभालने की बहुत जरूरत है। हालांकि मीडिया का एक वर्ग, कुछ राजनीतिक दल और अन्य कई बुद्धिजीवी इन्हें सहयोग कर रहे हैं। स्टॉप, यह डिक्टेशन 88 शब्द प्रति मिनट की गति से रिकॉर्ड की गई है। सभी प्रशिक्षार्थियों से अनुरोध है कि आउटलाइन को पढ़ें और पढ़ने के बाद उसका लिप्यंतरण भी करें। अंत में सभी साथियों का धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी।